उज्जैन जिले में बर्ड फ्लू की आशंका गहरा रही है। कई जगह पर कौओं की मौत की जानकारी प्रशासन को लगातार मिल रही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने अलर्ट जारी किया है और सुरक्षा बरतने के लिए कहा है। शहर और तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्र में बर्ड फ्लू की आशंका के मद्देनजर कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में ध्यान रखें और जहां से भी सूचना मिले वहां पर पहुंचकर देखें। आपको बता दें कि जिले में कई क्षेत्र में कौओं की मौत की सूचना कलेक्टर को मिली थी। अधिकारियों की मौजूदगी में मृत कौओं को दफनाया गया, इनके सैंपल भोपाल भेजे गए, इनकी रिपोर्ट एक दो दिन में आ जाएगी। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। विगत कल से कुछ एक दो इंस्टेंसेस परसों भी हुए थे, कुछ कौए के मरने की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। ये तराना में, नागदा में और आज उज्जैन शहर में भी इस प्रकार से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। हमारे द्वारा सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं वहां पर तत्काल ही जमीन को खोदकर उसमें कौए को गाड़ दिया जाए, जो मृत कौआ है, और उसको गाड़ने के समय प्रॉपर तरीके से जो हैंड ग्लव्स हैं और जो मास्क हैं उनका उपयोग किया जाए। हम लोगों ने कल ही जो सैंपल था वो भेज दिया था भोपाल में लैब में टेस्टिंग के लिए कि क्या इसके पीछे कारण हो सकता है। उसकी रिपोर्ट कल तक हमको प्राप्त होगी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि ये बर्ड फ्लू का केस हो, इसीलिए हम लोग सावधानी बरतते हुए कि अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है तत्काल उसको जमीन में गाड़ दें और जमीन में गाड़ते समय कोई किसी तरीके से इन्फेक्शन का खतरा ना रहे, इसको ध्यान में रखा जाए। आप लोगों के माध्यम से भी मैं सभी से अपील करूंगा कि कहीं पर भी अगर इस प्रकार की घटना हो रही है तो जब तक कि चीजें साफ नहीं हो जाती तब तक इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करें और तत्काल सूचना हमको उपलब्ध। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।